जी गुरु जी को लख आदेश, माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक विधान दे रहा हूं जो महादेव ने भगवती को दिया था। सर्वविदित है ये बात कि जो तंत्र शास्त्र है वो महादेव द्वारा भगवती अम्बा को दिया गया था और भगवती को पूरा 108 जन्म लेना पड़ा था इस पूरी विद्या को समझने के लिए। तो अलग अलग जन्म में महादेव के अलग अलग अवतारों ने भगवती को तंत्र बताया। महादेव के जो अवतार हुए, अवतार बोलिए या अलग अलग रूप हुए, तो उड्डीश थे पहले अवतार, फिर रुद्र अवतार हुए, फिर सूर्य अवतार हुए, कपर्द्री हुए, विरूपाक्ष हुए, सर्वभूत भयावह शिव हुए, ठीक है। तो इन्होंने जो जो भगवती को ज्ञान दिया उनके नाम पर पड़ा। तो ये जो तंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं ये उड्डीश तंत्र है, ठीक है, जिसको उड्वेशर तंत्र भी बोला जाता है। इस तंत्र में महादेव ने भगवती को द्वादश पटल में बताया कि ये कैसा मंत्र है जिसको अगर मनुष्य जाप करे, जाप मात्र से उसके जो पाप हैं वो कटते हैं और वो जो कर्म भोग करता रहता है वो बहुत घट जाता है। जैसे कि हमने बहुत लोगों को देखा है, समझा है, कोई श्राप से परेशान है, किसी ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि इस जन्म में जो उसका कर्म है वो और खराब है, उसको और परेशान करने वाला है, मानसिक जो है प्रताड़ना देने वाला है। ऐसे जो लोग कलयुग में आए हैं उनको इस चीज का अनुभव होता ही होता है। तो ये जो मंत्र है इसको करने का विधान महादेव ने बहुत ही सरल बताया था। इस मंत्र को करने से पहले आपके पास एक मंत्र होना चाहिए जो कि है गणपति का मंत्र। गणपति का मंत्र बहुत सरल है, ओम ग्लम गम गणपति नमः। इस मंत्र का सुबह उठ करके पहला 3 दिन, ठीक है, पहले 3 दिन 1000 जाप करेंगे। इसको करने से ये मंत्र जो है वो सार्थक हो जाता है, मतलब उपयोग के लायक हो जाता है। और उसके बाद जो बाकी का जो विधान है वो जब तक करेंगे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विधान दिनों में नहीं बटा है बल्कि संख्या में बटा हुआ है। तो जब तक करेंगे तब तक इस गणपति मंत्र का शुरुआत में 108 बार हम जाप करेंगे, ठीक है। इस गणपति मंत्र का और भी बहुत सारा प्रयोग है, इसको सिद्ध करने का एक उपाय है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप जो कर्म भोग रहे हैं, जैसे होता है ना कि आप जीवन जी रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है आप जीवन में कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं तो वो सार्थक नहीं हो रहा। आपने उपाय भी कर लिया, आप वास्तु शास्त्री के पास चले गए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, आप तंत्र मंत्र कर लिए, हर जगह नाक रगड़ लिया, लेकिन कहा जाता है ना कि जो आपका कर्म है वो कुछ ना कुछ तो आपको काटना ही होगा। तो उस कर्म को कम करने का ये उपाय है। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए लाल वस्त्र और लाल आसन, ठीक है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको एक भोज पत्र में, बड़ा मतलब कम से कम 1.25 फीट का भोज पत्र होना चाहिए लंबाई में और चौड़ाई में इतना बड़ा कि दूर से आप देख के उसको पढ़ सकें, क्योंकि आप में और इस भोज पत्र में 3 हाथ का दूरी रहेगा जब आप जाप पर बैठेंगे, ठीक है। दूसरा जो इसका नियम है कि जितनी देर आप साधना कर रहे हैं आपके आसपास केसर की खुशबू होनी चाहिए। केसर की खुशबू कैसे, देखो जब हम तंत्र करते हैं ना तो बहुत सारी चीजों को हमारे आसपास प्रयोग में लाया जाता है, जो आप अगर सीधे रूप में उसका प्रयोजन समझना चाहिएगा तो उसका कोई प्रयोजन नहीं समझ में आता। अब जैसे अष्टगंध में गोरोचन का कोई प्रयोजन नहीं है, ना उसका गंध है ना उसका रंग आता है, लेकिन गोरोचन अति अनिवार्य होता है जब आप अष्टगंध लगाते हैं। उसी तरीके से जब भी आप साधना करते हैं तो जो देवी देवता जिनका आप आवाहन कर रहे हैं उनके लिए तो जो आप गंध का उपयोग करते हैं करते हैं, लेकिन जो धूप या गंध उस साधना में बताया जाता है उसका उपयोग ये भी होता है कि आप भी उस एनवायरनमेंट में ढल जाएं,
ठीक है, जो मैं मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटाफिजिकल एनर्जीज की बात करता हूँ, उससे संबंधित होता है ये गंध। ठीक है, तो इस विशेष मंत्र के लिए आपके आसपास केसर का गंध होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें केसर का धूप जला ले, या फिर केसर जो है वो किसी जल में मिला के रख ले तो भी केसर की खुशबू आती है। वो डुप्लीकेट वाला जो केसर का जो इत्र आता है उसका प्रयोग ना करें, ठीक है, क्योंकि केसर नहीं, वो तो चीनी पानी जैसा गंध करता है। तो केसर ले, उसको पानी में डाले, उससे भी जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है, वरना केसर का धूप ले आए। ठीक है, इतना करने के बाद संध्या के समय किसी भी इतवार को आप गणपति की मूर्ति को सामने रखेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे। देखो हमेशा क्या होता है कि हमने आपको बताया है कि एक मुट्ठी के गणपति को आपको अपने घर में विराजना चाहिए, लेकिन ये जो गणपति हैं ये 1.25 फीट के होने चाहिए, और ये जो गणपति हैं ये अगर पंच धातु के हों, अष्ट धातु के हों, चांदी के हों या फिर सोने के हों तो अति तीव्र उनका प्रभाव होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जितना हायर मेटल होता है वो उतना जल्दी एनर्जी को रिवर्ट करता है, अपने अंदर कैप्चर करता है, और जो भी प्रक्रिया है मेटल का जो प्रयोग का मैंने पहले भी आप लोगों को विधान बता रखा है। तो सामने गणपति की मूर्ति रखी, वो आपसे 1.25 फीट की दूरी पे होगी। उनके ठीक नीचे जो आपने मंत्र, जो मैं बोलने वाला हूं, उस मंत्र को एक चाहे तो कागज में या फिर भोजपत्र उत्तम होगा, भोजपत्र पर केसर में हल्का सिंदूर मिला के या फिर कुमकुम मिला करके और अनार का जो डंठल होता है उसका कलम बना करके इस मंत्र को लिखिए। मंत्र क्या है? मंत्र अभी ही बोल दे रहा हूं। मंत्र है ओम हैम ह हुम। क्या है मंत्र? ओम हैम ह हुम। फिर से मंत्र सुनिए, ओम हैम ह हुम। तो ऊपर गणपति जी की मूर्ति रहेगी, नीचे ये मंत्र लिखा रहेगा, और आप जब जाप करेंगे, देखिए इसमें एक विषय जो बोलना अनिवार्य नहीं है वो ये है कि जो पंच पूजा होगी गणपति की वो आपको करनी है। जैसे आपने गणपति को एक आसन पर बैठाया, उनको वस्त्र दिया और उनका पंच पूजा किया, मतलब धूप दीप नवेद, हाँ, पुष्प गंध ये आप उनको अर्पण करेंगे, उसके नीचे एक और कपड़ा बिछाएंगे, उस पर ये यंत्र को, मतलब ये जो आपने मंत्र लिख लिया भोजपत्र पर, ये यंत्र हो गया आपका, उस यंत्र को रखेंगे। ठीक है, किसी तरीके से सीधे रखेंगे, उसको फ्रेम नहीं करवाना है अभी। और जब आप जाप करेंगे तो आपको जाप जो है उस यंत्र को देख के करना है, ना कि गणपति को देख के करना है। ऐसे में क्या होगा कि गणपति का जो पद है, पैर, और वो मंत्र आपको साथ में दिखेंगे। ठीक है, इस मंत्र का एक जीवन में एक व्यक्ति मात्र 3 लाख जाप कर सकता है। गिन करके इस मंत्र का आप 3 लाख जाप करेंगे, 3 लाख से ज्यादा आप जाप नहीं करेंगे, मतलब ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपके पाप कर्मों में आपको एक जीवन में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद उस जो वो यंत्र है उसको मोड़ करके आप अपने पास रख सकते हैं। इसका प्रयोग आप तब कीजिएगा अपने जीवन में जब आपको लगेगा कि अब अति हो रही है, अब जो है कष्ट नहीं सहा जा रहा है, और अब जो कष्टों का है वो अंत होना चाहिए, जो भी मेरा पाप है वो अब मैं इस जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तभी इसका एकदम, जिसको कहते हैं SOS में, इसका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 3 लाख जाप के बाद जो है आपके कष्टों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, और जो तंत्र का सिद्धांत है कि 45 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर आपको जो है इसका व्यापक असर दिखने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। महादेव और भगवती के बीच में जो गणपति का जो विधान है 3 दिन का, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। ये एक पेड ग्रुप है, इसमें जो तंत्र से संबंधित जानकारियां हैं, जो शुरुआती जानकारियां हैं, जैसे आसन बंधन, शरीर बंधन, यंत्र बनाना, कैसे बनाते हैं, ये सब हम आपको सिखाते हैं, हवन करना। जिनको मेरा लिखा हुआ लेख पढ़ना है या आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानना है, वो www.agortantrasya.com पर जा सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा।
आज के लिए इतना ही महाभैरव, महादेव आपकी रक्षा करे, मैं ऐसा उनसे मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश, आदेश।